जय हिंद दोस्तों आज हम फिर से मल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से आई हुई टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज डिस्कस करेंगे जो कि अलग अलग रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूलों से आई हुई हैं जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल बाल भारती पब्लिक स्कूल और डी ए वी मॉडल स्कूल इस तरह से कुछ अन्य स्कूल भी हैं जिनसे आई हुई वैकेंसीज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो एक एक करके देख लेते हैं अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार से नए लेटेस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर तो पहली वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर से आ रही है जोधपुर जो कि राजस्थान में है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है सबसे पहली वैकेंसी टी जी टी की है जिसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और विद मिनिमम फिफ्टी परसेंटें मार्क्स इन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड फिफ्टी परसेंट एग्रीगेट एं एं मार्क्स एंड बड विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स साथ में टी कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी है एंड जिसके लिए बी और ग्रेजुएशन होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या नहीं तो बी या बी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आई से और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स फ्राम डी ओ ई ए सी सी साथ में इसी तरह से कुछ और भी जानकारी है जिनको आप देख लेंगे और नेक्स्ट वैकेंसी है साइंस लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स लैब के लिए लोअर डिविजनल क्लर्क की भी वैकेंसी है पैरामेडिक्स नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है चौकीदार की वैकेंसी है तो इस तरह से ये वैकेंसीज थी एज सीरियल नंबर वन टू थ्री जो पोस्ट थे उनके लिए बिलो फोटी ईयर्स होना चाहिए और सीरील नंबर फोर टू सिक्स जो थे उनके लिए फोर्टी फाइव ईयर्स होना चाहिए एक्स सर्विस मैन के लिए फिफ्टी फाइव ईयर्स और टीचर्स बिलो फिफ्टी सेवन ईयर्स सोड हैव वर्कड सर्टिफिकेट वर्ड अर्लियर आर वर्किंग एंड हैव पुट इन एटलीस्ट फाइव ईयर्स ऑफ सर्विस इन प्रिस टेन ईयर्स इन रिस्पेक्टिव एप्लाइड कैटेगरी मतलब कुल मिला के फ्रेशर्स के लिए फोर्टी ईयर्स एज लिमिट है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए फिफ्टी सेवन ईयर्स एज लिमिट है जिन्होंने पिछले दस वर्षों में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव प्राप्त किया हो किसी भी स्कूल में पे एंड अलावेंसेज की बात करें तो एज पर दिर्मी पब्लिक स्कूल नॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर्म्स अवेलेबल हैं आपके और चौबीस मई से लेकर 22 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं कैश पेमेंट हंड्रेड रुपीज़ का लगेगा लास्ट डेट सबमिशन 22 जून 2023 हज़ार तेईस है दो बजकर दस मिनट तक एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट स्कूल की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सबमिट करना है हंड्रेड रुपीज के डिमांड ड्राफ्ट के साथ इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल ए जोधपुर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एडमिक सर्टिफिकेट्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स विल भी अटैच एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग विच फॉर्म विल बी रिजेक्टेड फॉर्म्स रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट एंड टाइम विल नॉट बी एक्सेप्टेड इंटरव्यू ऑफ दिसे कैंडिडेट्स विल भी हेल्ड इन द फोर्थ वीक ऑफ द जून जून की फोर्थ वीक में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होना है इंटीमेशन ऑफ द सेम विल बी गिवन थ्रू द ईमेल और टेलीफोन ईमेल और टेलीफोन के माध्यम से आपको बाकी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी तो इस तरह से ये वैकेंसी थी आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर से अगली वैकेंसी देख लेते हैं यह वैकेंसी लाला जगत नारायण डी मॉडल स्कूल से आ रही है इस स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाकर देख लेंगे यहाँ पर क्या वैकेंसीज हैं इनको एक बार पहले लोकेशन की बात कर लें तो कबीर नगर लेन नंबर फोर जलंधर से ये वैकेंसी आ रही है पंजाब में है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है पी कॉमर्स की जिसके लिए एम और बीएड होना चाहिए एक पी जी इकोनॉमिक्स की भी वैकेंसी है जिसके लिए एम इकोनॉमिक्स होना चाहिए और बी होना चाहिए फिर एक वैकेंसी पी मैथ्स की भी है जिसके लिए एम और बी होना चाहिए एक पी फ़िज़िक्स की वैकेंसी है जिसके लिए एम एस फिजिक्स होना चाहिए और बी एड होना चाहिए एक पी जी टी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है जिसके लिए एम पी एड होना चाहिए ऑन रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस करना है कि आपको सेंड करना है अपना एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर अलॉन्ग विद द एटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स विद इन अ वीक एक सप्ताह के भीतर तो आज के हिसाब से सात दिनों के अंदर आप अप्लाई करते हैं लेटेस्ट जानकारी है सभी इन द ऑफिस ऑफ द स्कूल ठीक है तो स्कूल ऑफिस में ही आपको सेंड करना है बाई द पोस्ट आपको सेंड करना है तो इस तरह से ये वैकेंसी थी लाला जगत नारायण डी वी मॉडल स्कूल से और अगली वैकेंसी देख लेते हैं जो कि दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आ रही है आ, ये है फरीदकोट पंजाब में यहाँ पंजाब से ही ये भी वैकेंसी है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है टी, पी टीचर्स की इन अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स मैथ्स आई हिस्ट्री जोग्राफी और टी में बात करें तो टी में आई टी या कंप्यूटर अकेडमिक कोऑर्डिनेटर इन इस तरह से वैकेंसीज हैं कैंडिडेट शुड बी ड्यूली क्वालिफाइड एंड हाईली एनर्जेटिंग सैलरी थ्री टू फोर ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है हैंडसम सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा फॉर आउट स्टेशन कैंडिडेट्स सैलरी नेगोशिएबल होगी और सात दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना है ई मेल आई डी है डी आई एस प्रिंसिपल एफ डी के टी जीरो सिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम डी आई एस प्रिंसिपल एफ डी के टी जीरो सिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम अगली वैकेंसी बाल भारती पब्लिक स्कूल से आ रही है जो कि सेक्टर ट्वेल्व द्वारका न्यू दिल्ली में है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है पी इंग्लिश की एंड टी इंग्लिश की जिसके लिए क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट बी एंड सीटेट होना जरूरी है और कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज भी हैं कुछ जैसे स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है जिसके लिए ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए काउंसलर की एक वैकेंसी है इसके लिए एम इन साइकोलॉजी होना चाहिए स्पेशलाइजेशन इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग असिस्टेंट टीचर की भी रिक्वायरमेंट है जिसके प्री प्राइमरी विंग के लिए इंग्लिश में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से और टीचर असिस्टेंट्स की भी वैकेंसी है साथ में सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है एज एंड एलिजिबिलिटी एज़ पर द सी और दिल्ली गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा करना क्या है अप्लाई करने के लिए डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म इनके ऑफिशियल वेबसाइट से एच टी टी पी एस कॉलोस लैसलेस बी बी पी एस द्वारा डॉट माल भारती डॉट ओ आई जी और सबमिट करना है फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट द स्कूल गेट स्कूल के गेट पर सबमिट करना है अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फी ऑफ रुपीज़ हंड्रेड इन कैश ऑन ऑल द डेज है ना तो इस तरह से फीस हंड्रेड रुपीज़ होंगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 जून 2023 है 21 जून 2023 का थ्री तक आप अप्लाई कर सकते हैं बाल भारती पब्लिक स्कूल से यह वैकेंसी थी अगली वैकेंसी न्यू एरा पब्लिक स्कूल से आ रही है जो गुरुग्राम में है यहाँ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है सारे नॉन टीचिंग पोस्ट है मार्केटिंग मैनेजर की है और हॉस्टल मैस कॉन्ट्रैक्टर की है और पिच क्यूरेटर की है जिसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो और मेल आई है एन ई पी एस गुरुग्राम एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं अगली वैकेंसी नेहरू इंटरनेशनल स्कूल से आ रही है नेहरू इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जो कि नोएडा में है यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है पी साइकोलॉजी का टी इंग्लिश टी म्यूजिक अकाउंटेंट फ्रंट ऑफिस कोऑर्डिनेटर इस तरह से जो डिजायर कैंडिडेट्स हैं शुड हैव द स्ट्रॉ एकेडमिक बैकग्राउंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड थ्री टू फाइव ईयर ऑफ रेलवेंट एक्सपीरियंस अपना सी सेंड करना है आपको फोटोग्राफ के साथ एच आर डॉट एन इस मेल आई पर आपको सेंड करना है अपना लेटेस्ट सी और फोटोग्राफ अप्लाई करने के लिए तो वैकेंसी थी नेहरू इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नोएडा से अगली वैकेंसी विकास भारती पब्लिक स्कूल से आ रही है जो कि सेक्टर ट्वेंटी फोर रोहिनी दिल्ली में है यहाँ पर इनवाइटेड है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पी जी फिजिकल एजुकेशन जिसके लिए एम पी होना चाहिए एंड योगा ट्रेंड होना चाहिए टी जी टी साइंस टी जी टी बायलॉजी टी जी टी केमिस्ट्री टी जी टी फिज़िक्स इस तरह से वैकेंसीज़ हैं साइंस में तीनों सेक्शन uh, के लिए वैकेंसीज हैं यानी बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स जिसके लिए बी में और एम साथ में बी होना चाहिए पी टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है पी जनरल की वैकेंसी है जिसके लिए बी ए या बी एस सी ऑनर्स होना, होना चाहिए साथ में बी एड भी होना चाहिए एन टी टी टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है अप्लाई करना है सात दिनों के भीतर में साढ़े आठ बजे से लेकर एक बजे के बीच में ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल एट द स्कूल रिसेप्शन स्कूल के रिसेप्शन में आपको फॉर्म अवेलेबल मिलेगा या नहीं तो वेबसाइट पर भी फॉर्म अवेलेबल है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ आपको अप्लाई करना है तो ये वैकेंसी थी विकास भारती पब्लिक स्कूल से अगली वैकेंसी रिच ग्लोबल स्कूल से आ रही है रिच ग्लोबल स्कूल जो कि पश्चिम बिहार में है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है पी फिजिकल एजुकेशन अकाउंटेंसी और हिस्ट्री पी मैथ्स इंग्लिश कंप्यूटर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर फ्रेंच टीचर स्पेशल एजुकेटर म्यूजिक टीचर चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्राफिक डिज़ाइनर नर्स इसके लिए अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए और आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है सभी सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स के साथ एट द इस गिवन स्कूल ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी है इंटरव्यूज एस बी है आई एन टी ए आर वी आई ई यू डब्ल्यू एस एट द रेट रिच मॉन्ड ग्लोबल स्कूल डॉट ई डी यू डॉट इन आर आई सी एच एम ओ एन डी डी जी एल ओ बी एल एस सी एच डब्लो एल डॉट ई डी यू डॉट इन लेटेस्ट बाई ट्वेंटी जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बीस जून दो हज़ार तेईस से पहले पहले आपको अप्लाई करना है तो कुछ इस तरह से ये वैकेंसी थी रिच ग्लोबल स्कूल से आ रही है अगली वैकेंसी होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल से आ रही है फरीदाबाद से वैकेंसी है सेक्टर ट्वेंटी नाइन एंड सेवेंटी फाइव से यहाँ पर रिक्वायरमेंट है अकेडमिक कोऑर्डिनेटर की प्राइमरी मिडिल और सेकेंडरी विंग के लिए ई आर पी कॉर्डीटर ऑफिस एग्जीक्यूटिव अकाउंट एग्जीक्यूटिव रोबोटिक और ए आई इंस्ट्रक्टर स्कूल काउंसलर एन टी टी टीचर हाउस कीपिंग सुपरवाइजर इन सभी की वैकेंसी है अपना रिज़्यूम आपको सेंड करना है एच आर डी ई पी टी एस स्कूल एट द रेट याहू डॉट कॉम इस मेल आई डी पर आपको सेंड करना है अपना रिज़्यूम और मेंशन करना है कि इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल से यह वैकेंसी थी अगली वैकेंसी बी पब्लिक स्कूल से आ रही है जो कि आनंदपुर धाम सुल्तानपुर रोड से आ रहे हैं यहाँ पर पी बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिकल एजुकेशन साथ में टी जी टी और एन की वैकेंसी है स्कूल के रिसेप्शन पे पर स्कूल के काउंटर पर आपको फॉर्म्स अवेलेबल मिलेंगे वहाँ से आपको अप्लाई करना है वंस हु वंस अप्लाइड नीड नॉट अप्लाई अगेन जिन्होंने पहले अप्लाई किया और उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला है तो वो अप्लाई ना करें अप्लाई करना है आपको पंद्रह दिनों के भीतर अगली वैकेंसी फिर से बाल भारती स्कूल से आ रही है जो कि बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो मेट्रो स्टेशन के पास में है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है काउंसलर कम पी जी साइकोलॉजी की पी जी साइंस टी जी सोशल साइंस जिसके लिए जो सोशल साइंस की वैकेंसी है तो अगर कैंडिडेट एम ए किए या एम एस सी के हों जोग्राफी में तो वो अप्लाई करें लैंग्वेज जर्मन है की वैकेंसी है स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है पी आर टी और सब्जन में वैकेंसी है अप्लाई ऑनलाइन करना है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट बी जी एच डॉट बाल भारती डॉट नेट पर अंडर द करियर सेक्शन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे करियर सेक्शन मिलेगा उस पर क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म अवेलेबल मिलेगा सेंड करना है अपना डिटेल रिज़्यूम टू करियर्स एट द रेट बी जी एच डॉट बाल भारती डॉट नेट विद इन सेवन डेज़ विद अ रिसेंट फोटोग्राफ ठीक है तो या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके या नहीं तो आप इस गिवन मेल आईडी डी करियर्स एट द रेट बी जी एच डॉट बाल भारती डॉट नेट पर आप अपना रिज्यूम सेंड करके और फोटोग्राफ सेंड करके भी अप्लाई कर सकते हैं सात दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना है तो इस तरह से ये वैकेंसीज थी अगली वैकेंसी की बात कर लें तो ये आ रही है डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी एजुकेशनल अकेडमी जो कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आ रही है नियर टू आगरा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है प्रिंसिपल की और इसके लिए आप क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेंगे सैलरी अप टू लैक्स प्रोवाइड की जाएंगी पीजीटी और टी में बहुत सारे पोस्ट हैं जैसे इंग्लिश है कंप्यूटर है बायोलॉजी है केमिस्ट्री है फिजिक्स मैथ्स बिजनेस स्टडीज हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स जोग्रफी हिंदी फिजिकल एजुकेशन पी में ऑल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है लाइब्रेरियन हॉस्टल वार्डन इन सभी की वैकेंसी है कॉर्डिनेटर फॉर प्री प्राइमरी प्राइमरी एंड नाइन टू ट्वेल्थ इन सभी के लिए कोऑर्डिनेटर की भी रिक्वायरमेंट है और कुछ देख लेते हैं एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स में भी कंसिडर फॉर हायर ग्रेड इंटरस्टल कैंडिडेट्स में सेंड द रिज्यूम टू द ऑफिशियल स्कूल ई एल आई स्कूल की मेल आई पर आपको रिज्यूम सेंड करना है अप्लाई करने के लिए जो कि नीचे दे रखा अभी हम देखेंगे उन्हें कैंडिडेट्स कैन अटेंड एन ऑनलाइन और वॉक इन इंटरव्यू ऑन एवरी एवरीडे ठीक है तो ऑनलाइन और वर्क इन इंटरव्यू दोनों चल रहा है तो उसको आप अटेंड कर सकते हैं प्रतिदिन वेन्यू होगा स्कूल कैंपस टाइम होगा आठ बजे से लेकर पाँच बजे के बीच में सैलरी पी के लिए फोर्टी टू फिफ्टी प्रोवाइड की जाएंगे पी टी को थर्टी टू थर्टी सैलरी इज नॉट अ बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स और स्कूल की मेल आई की बात कर लेते हैं डी एस ए एम ए आई एन पी यू आर आई एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस मेल आई डी पर आपको अप्लाई करना है तो ये वैकेंसी थी डॉक्टर किरण सोजिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशनल एकेडमी से वैकेंसी थी अगली वैकेंसी स्प्रिंग मीडोज पब्लिक स्कूल से आ रही है जो कि द्वारका मोर मेट्रो स्टेशन मेन नजफगढ़ रोड में है यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश हिंदी मैथ्स सोशियोलॉजी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज सभी की वैकेंसी है टीजी टी में इंग्लिश हिंदी मैथ सोशल साइंस साइंस एंड संस्कृत नर्सरी एंड पी टीचर्स टी टीचर ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी लाइब्रेरियन पी आर्ट एंड क्राफ्ट हार्डवेयर इंजीनियर कैशियर लेबर असिस्टेंट फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड कंप्यूटर और म्यूजिक एंड डांस टीचर्स सभी की रिक्वायरमेंट है कॉन्टैक्ट पर्सनली करना है आपको स्कूल में विद कंप्लीट बायो डेटा इन बिटवीन इलेवन एम टू टू पी तो इस तरह से ये जानकारी थी स्प्रिंग मीडोज पब्लिक स्कूल से जिसे आप पॉज करके देख लेंगे अगली वैकेंसी आ रही है यहाँ पे सिर्फ फीमेल टीचर्स ही अप्लाई करें यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड क्वालिफाइड फीमेल टीचर्स नेक्स्ट वैकेंसी सिटी पब्लिक स्कूल से आ रही है जो कि ई थ्री सेक्टर सिक्सटी वन नोएडा में है यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है एक्सपीरियंस कैंडिडेट से पीजीटी में इंग्लिश मैथ इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन अकाउंट्स एंड फाइन आर्ट्स प्राइमरी में इंग्लिश मैथ साइंस और एस एस टी कंप्यूटर म्यूजिक एंड डांस आर्ट एंड क्राफ्ट लैब असिस्टेंट नर्स की भी रिक्वायरमेंट है अदर्स में भी कुछ पोस्ट है स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट है अकाउंटेंट की वैकेंसी है ई मेल करना यानी तो सबमिट करना अपना रिज़्यूम दस दिनों के भीतर में स्पेसिफाई करना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं साथ में सीटेड किए हुए जो कैंडिडेट्स हैं सीटेड क्वालिफाइड उनको प्रेफर किया जाएगा ई मेल आई डी है सी पी एस नोएडा सिक्सटी वन सॉरी सी पी एस नोएडा डॉट सिक्सटी वन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस मेल आई डी पर आपको अपना रिज़्यूम और फोटोग्राफ सेंड करना है सिटी पब्लिक स्कूल के लिए अप्लाई करने के लिए